नाउ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ। आपको एक सेट दे रखा है, इसके सभी सबसेट्स आपको यहां पर लिखने हैं। तो देखिए जरा क्या सेट दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, लेट A इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2, 1 and π। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे वो हमें बना करके लिखने हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 की पावर 3, यहाँ पर 8 सबसेट इसके बनेंगे। तो यहाँ पर 8 सबसेट बनाते हैं हम। देखिए ज़रा, एक तो 1/2 को ले लें, ये भी इसका एक सबसेट है। पहले आपको सभी को अकेले ले लेना है। 1 भी इसका एक सबसेट है और ये पाई भी क्या है, इसका एक सबसेट है। देन इसके बाद आपको 2 के पेयर्स यहाँ पर बनाने हैं। 1/2, 1, ये भी इसका एक सबसेट है। 1, पाई, ये भी इसका एक सबसेट है। एंड π, 1/2, ये भी क्या है, इसका एक सबसेट है। अब 2 के पेयर्स हमने ले लिए। अब यहाँ पर हमें तीनों पूरे सेट को ले लेना है। 1/2, 1 पाई, ये भी क्या है, इसका एक सबसेट है। बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक फाई तो सबका होता ही है। अब जरा काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। पावर सेट तो वो नहीं बनवा रहा है, सबसेट्स को ही लिखना है। तो केवल ये क्या है, सबसेट्स ऑफ ए है। यहां पर आप लिख देंगे सबसेट्स ऑफ ए। देन इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, लेट बी इज इक्वल टू, यहां पर हमें दे रखा है A, B, C और D। इसके हमें सारे सबसेट्स बनाने हैं। तो यहां पर देखिए 4 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 4 मीन्स 16 सबसेट्स हमारे यहां पर बनेंगे। तो 16 सबसेट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबको अकेले अकेले लिखना है। ये सब क्या है, इसके सबसेट्स हैं। देन इसके बाद आपको 2 के पेयर्स में सबसेट बनाने हैं। A, B, A और C का बन सकता है, A और D का बन सकता है, और D A का सभी के साथ बन गया, A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ। अब B और C का बन सकता है, B और D का बन सकता है। देन B के सभी के साथ बन गए। देखिए B का A के साथ पहले ही बन चुका है, AB, या फिर BA लिख लें, एक ही बात है वो। देन इसके बाद C का D के साथ बनाएं, C, D। तो ये 2 वाले पेयर्स बन गए। अब आपको बनाने हैं 3 के पेयर्स लेके सबसेट्स। पहले A, B, C बन सकता है, भाई A, B और C आ जाए। देन इसके बाद B, C, D बन सकता है, B, C और D। उसके बाद यहां पर C, D, A बन सकता है, C, D, A। और यहां पर A, D, B भी बन सकता है, A, B, D। और एक चारों इस सेगमेंट, मतलब यही सेट क्या है, ये भी इसका एक सबसेट बनेगा, A, B, C, D। और एक होता है फाई सभी के लिए। जरा काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये क्या है, इसके सबसेट्स फॉर द B, सबसेट्स ऑफ B। ये क्या है, B के सबसेट्स हैं आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास चाहे कैसा भी एक सेट दे दे, आप उसके सबसेट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको एक सेट दे रखा है, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to 10 तक के एलिमेंट्स के लिए एक सेट दे रखा है। राइट दी सबसेट, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट दी सबसेट ऑफ A दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। एक ऐसा सबसेट बनाइए जो इसके सारे ऑड नंबर्स को कंटेन करता हो। सबसे पहली बात, यहां पर 10 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 10 मीन्स यहां पर 1024 सबसेट्स इसके बनेंगे, 1024 सबसेट बनेंगे इसके। तो पहले क्वेश्चन में वो एक ऐसा सबसेट बना रहा हो जिसके सारे ऑड नंबर इसके अंदर आए। तो यहां पर देखिए 1 3 5 7 9 ये क्या है, इसका एक सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और इस सबसेट में सारे ऑड नंबर हैं। तो यही वो सबसेट है जिसके अंदर सारे ऑड नंबर आपके होंगे। देन इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। अब सारे इवन नंबर्स वाला सेट बनाना है तो यहां पर आप लिख देंगे 2 4 6 8 और 10, सारे इवन नंबर्स को लेके एक सबसेट बना देंगे आप यहां पर। देन राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसा कौन सा सबसेट होता है, वो होता है फाई। फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है और इसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होता है। तो ये क्या है, फाई इसका एक ऐसा सबसेट होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी सी फाइंड द पावर सेट पी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए दे रखा है सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा, यहां आपको पॉइंट आउट करने वाली बात क्या है कि ये ए कॉमा बी, आपको अलग अलग एलिमेंट नहीं समझना है। ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है आपका। ये ए कॉमा बी बेसिकली इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है जो सिंगल एलिमेंट होता है आपका। तो एक एलिमेंट तो ये है और एक एलिमेंट ये है आपका। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 की पावर 2 4 सबसेट्स इसके बनेंगे। तो 4 सबसेट हम बना लेते हैं। एक तो ये आ सकता है, इसको सेट के सिंबल के अंदर लिखेंगे। एक सी आ सकता है आपका, ये भी हो जाएगा। एक ये दोनों भी आ सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक फाई इसका सबसेट होगा। तो सबसेट्स का जो सेट होता है वही क्या होता है, पावर सेट होता है। तो आपने इसके सबसेट्स बनाए और उनको एक बड़े वाले सेट के अंदर लिख दिया। तो वो क्या है, पावर सेट ऑफ ए। ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो यहां पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और उसे आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखिए, यहां पर आपको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है, एंड फ्रॉम -5 to 5। ध्यान से देखिए सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, आप तब तक इसे ट्राई कीजिए। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज फ्रॉम 0 to 3। थर्ड हमें दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 4th पार्ट हमें दे रखा है x such that x belongs to r and 3। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले वाले पार्ट में x एक ऐसा नंबर है जिसमें -5 और 5 के बीच में, ये एक ऐसा सेट है जिसमें -5 से 5 के बीच वाले जो भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, बट -5 और 5 इसके अंदर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये एक ओपन इंटरवल बनेगा, इसमें इसके बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं तो ओपन इंटरवल आपका ये बन गया। इसके बाद ऐसा सेट जिसमें 0 है, 0 और 3 के बीच के नंबर्स, और 0 भी उसके अंदर है, यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है, 0 पर क्लोज्ड, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन आ जाएगा आपका। देन इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 पर ओपन है तो यहाँ ओपन आ जाएगा, और 11 पर क्लोज्ड, ये इस तरीके से हो जाएगा। 11 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर नहीं है। देखिए 3 और 12 के बीच के सारे नंबर्स, और 3 और 12 भी उसमें है, तो ये एक क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इंटरवल्स दे रखे हैं और उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन -5 to 0 ओपन इंटरवल। -5 और 0 इसके अंदर नहीं है, बीच के सारे नंबर्स हैं, तो ये एक सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज फ्रॉम -5 to 0। ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन यहां पर नहीं आएगा, इसके बीच के सारे नंबर्स रहेंगे। सेकंड हमें क्या दे रखा है, टू और 8 के बीच के सारे नंबर्स, 8 उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो यहां x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज फ्रॉम 2 to 8। 8 पर क्लोज्ड तो 8 के सामने इक्वल टू वाला साइन यहां पर आ जाएगा। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 पर क्लोज्ड है 6 पर ओपन, तो ये एक सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज फ्रॉम 3 to 6 और 3 इसके अंदर इंक्लूडेड है आपका। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमें दे रखा है 3 to 12। 3 और 12 भी इसके अंदर है और इसके बीच के सारे नंबर्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज फ्रॉम 3 to 12 और 3 और 12 भी उसके अंदर हैं आपके। तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर से इंटरवल और इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट ए बी एंड सी आपको 3 सेट दे रखे हैं, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमें एक ऐसा एक्स फाइंड आउट करना है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसमें हमें ए दे रखा है 1, 2, 3 and 4 एंड बी दे रखा है हमें आपका 1, 2, 3 एंड सी हमें यहाँ पर दे रखा है 2, 4। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c और x क्या हो, c का एक सबसेट ना हो आपका। तो ध्यान से देखिए, आप इसमें b के सारे सबसेट बना लेंगे और जो x के में c के सबसेट नहीं होंगे उन्हें यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले b के हम सबसेट बना रहे हैं 1, 1 करके, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले। ये एक सबसेट बन गया, ये b का सबसेट है बट a c का सबसेट नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। देन इसके बाद 2, ये b का एक सबसेट है और 2 c के अंदर भी है, तो ये क्या हो गया, ये c का भी सबसेट हो गया बट हमें ये नहीं लेना क्योंकि वो x c का सबसेट नहीं होना चाहिए। 3 को लेते हैं, ये b का सबसेट है, c का सबसेट नहीं है तो इसमें आ जाएगा। अब 2, 2 के पेयर से यहाँ से बनाइए, 1, 2 इसका एक सबसेट है, इसका नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। 1, 3 इसका एक सबसेट है, इसका नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। 2, 3 इसका एक सबसेट है, इसका नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। और एक पूरे को ले लें आप, 1, 2, 3 यहाँ पर ये इसका सबसेट है और इसका नहीं है तो ये x होंगे हमारे, वो x लेने हैं जो b के सबसेट हैं और c के सबसेट नहीं है। तो b के सबसेट्स में से जो c के सबसेट हैं उन्हें निकाल दो, जैसे 2 था आपका। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है x इज अ सबसेट ऑफ b, x इज नॉट इक्वल टू b एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। वही कंडीशन कि सारे वो x आपको यहाँ पर लेने हैं जो b के सबसेट हैं एंड c के सबसेट नहीं है आपके, और जो x है वो b के बराबर नहीं हो सकता। तो यही सारी कंडीशन है बट इसमें से ये एलिमेंट आपको निकाल देना, ये सबसेट निकाल देना है क्योंकि ये b के बराबर है। तो x क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1, 3, 1, 2, 1, 3 and 2, 3 आपका, और ये इसमें नहीं होगा क्योंकि x b के बराबर नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यहां देखिए एक्स ए का भी सबसेट हो, बी का भी हो और सी का भी हो। तो यहां पर देखिए तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? टू है। तीनों में कॉमन क्या है? टू। तो टू देखें इसके अंदर तो ए का भी सबसेट, बी के अंदर बी का भी सबसेट, सी के अंदर सी का भी सबसेट। तो यही एक सबसेट बनेगा और इसके अलावा बनेगा एक फाई, क्योंकि फाई सभी का सबसेट होता है। तो ये दो सेट हैं जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू ये होगी आपके पास। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट a, b एंड c बी थ्री सेट्स। a, b और c तीन सेट आपको दे रखे हैं। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a जो है वो b का सबसेट है, एंड b बिलोंग्स टू c, और जो पूरा b है ना आपका वो c के अंदर है। इज इट ट्रू दैट a बिलोंग्स टू c? तो ये सही होगा कि जो a है वो भी c के अंदर हो। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a जो है वो हमेशा आपका c के अंदर होगा। सो आप यहां पर लिखेंगे नो इट इज नॉट ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने a मान लिया 1 2 3, b मैंने मान लिया 1 2 3 4 एंड c मैंने मान लिया आपका 1, 1 2 3 4 एंड 3। ध्यान से देखिए a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं और a इज अ सबसेट ऑफ b। अब पूरा जो b है वो इसका एक एलिमेंट है। मैंने इस पूरे सेट जो इसके अंदर है ये इसका सिंगल एलिमेंट है। तो पूरा b इसके अंदर है, तो आप कह सकते हैं b बिलोंग्स टू c। बट आप ध्यान से देखें a है एलिमेंट 1 2 3, ये कहीं इसके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं है। बट a डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो आपकी ये कंडीशन हमने बता दी है कि ये ऐसा कंडीशन होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ फाई देन a इज इक्वल टू फाई। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि a एक सबसेट है फाई का, तो हमें प्रूव करना है a जो है वो फाई के बराबर है। गिवन a इज अ सबसेट ऑफ फाई, हमें दे रखा है कि जो a है वो फाई का सबसेट है। वी नो दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम यहां पर देखिए एक कंडीशन पड़ी थी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा कंडीशन बनती है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो किसके बराबर है? आपका बी के बराबर है। यही कंडीशन यहां बन रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, सो ए इज इक्वल टू फाई, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ए है वो किसके बराबर है? हमारा फाई के बराबर है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो ध्यान से देखिए हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, सच दैट पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो हमें ये शो करना है यहाँ से कि जो ए है वो बी के बराबर है। ए बी के बराबर हम कब दिखा सकते हैं? यदि हम ये कंडीशन ले आए ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी के बराबर है। तो ये कंडीशन हमें लेके आनी है आपकी। अब मैं इस कंडीशन को शो करता हूँ, इसको यहीं पर लिखा रहने दें। देन हम यहाँ पर मान लेते हैं दो सेट हैं, देयर आर टू सेट्स ए एंड बी। हमने मान लिया लेट एक्स बी एनी सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। हमने मान लिया कि एक्स क्या है? किसी ए का सबसेट है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब जो ये x है ना छोटे वाला, ये इस x का एलिमेंट है, इस सबसेट का एलिमेंट है। अब ध्यान से देखिए a जो है वो सबसेट है ए का। हियर एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहां से जो एक्स है वो किसके अंदर आ जाएगा, पी ए के अंदर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ए के जो सबसेट हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, पी ए कहते हैं। अब जो एक्स है इनमें से कोई एक है तो वो इस पी के ए के अंदर बिलोंग करेगा, ये जो पी ए सेट है इसके अंदर होगा आपका। तो यही हमने लिखा है, इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए देन एक्स बिलोंग्स टू पी ए। पी ए और पी बी बराबर हैं, तो जो सेट आपका पी ए के अंदर है वो पी बी के भी अंदर होगा, विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू पी बी। अब एक्स पी बी के अंदर है तो यहां से हम कह सकते हैं आपका कि जो एक्स है इज अ, विच इंप्लाइज दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। जो एक्स है वो किसका सबसेट है आपका, बी का सबसेट है। तो जो एक्स का एलिमेंट है वो कहां हो जाएगा, बी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स बी का सबसेट है तो एक्स में कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब जो एलिमेंट्स एक्स में है वो बी में भी होंगे, तो जो x है ना वो इस b के अंदर भी हो जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a। सो यहां देखिए, हेयर x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x पहले ही इसका एक सबसेट था तो x बिलोंग्स टू a तो पहले से ही था, सच दैट यहां पर लिखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a के अंदर भी है और b के अंदर भी है, विच इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहां से हम ये कंडीशन ले आए हैं कि जो हमारा A है वो किसका सबसेट है, B का सबसेट है। अब हम मान लेते हैं, लेट Y इज अ सबसेट ऑफ B सच दैट Y बिलोंग्स टू B। हमने Y क्या है, एक B का सबसेट माना है, सच दैट जो B Y का जो एलिमेंट है वो B को बिलोंग करता है। अब यहां पर देखिए, हेयर y is a subset of b which implies that, यहां से हम कह सकते हैं y b का सबसेट है तो y किसके अंदर होगा, p b के अंदर होगा। देखिए y के सबसेट्स बनेंगे, ये क्या होगा, p ऑफ b होगा, इनमें से कोई एक y है वो p b के अंदर होगा तो y belongs to p b। बट जो p a और p b हैं वो बराबर हैं तो y किसके अंदर हो जाएगा, पी ए के अंदर भी होगा। तो y इज अ सबसेट ऑफ a, तो y क्या हो गया, a का एक सबसेट हो गया। और यहां से हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू a। अब ध्यान से देखिएगा, y b के अंदर भी है, y a के अंदर भी है, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। तो हम कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a। इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो A किसके बराबर होता है, हमारा B के बराबर होता है, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो A है वो किसके बराबर है, हमारा B के बराबर है। तो इस मेथड से आपको प्रोसीड करना है और A को B के बराबर आपको लेके आना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है, इफ टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। देखिए, दो सेट आपको दे रखे हैं, पहले वाले में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले में n एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 13। इन सेट्स का कोई नाम नहीं दे रखा है तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन फर्स्ट सेट, पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, हमारे m हैं, तो इसके सबसेट कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट सेट वो हो जाएंगे 2 की पावर m। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं हमारे n, तो नंबर ऑफ सबसेट इन सेकंड सेट कितने बन जाएंगे हमारे 2 की पावर n। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि जो पहले वाले के सबसेट है ना वो दूसरे वाले सबसेट से 56 ज्यादा है, 56 मोर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, या इतने नंबर में से पहले वाले के सबसेट्स के नंबर में से दूसरे वाले सबसेट्स के नंबर घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। अब यहां से 2 की पावर n हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 की पावर यहां पे आ जाएगा 2 की पावर m ओवर 2 की पावर n माइनस 1, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए ये कॉमन लेने का कंसेप्ट क्या होता है कि xy माइनस x स्क्वायर। जब आप यहां से x कॉमन ले रहे हो मतलब आप x से दोनों टर्म्स को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यहां x से x, यहां x से एक पावर और यहां पे बच जाएगा y माइनस x। तो जब भी हम किसी टर्म में से कोई टर्म कॉमन लेते हैं मतलब हम उस टर्म से अंदर वाली हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां हमने 2 की पावर n कॉमन लिया, तो यहां नहीं था तो हमने 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया और यहां पे आ गया 1। ये पावर ऊपर जाएगी तो यहां बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 3 होगा 8, 8 माइनस 1 इज 7। अब कंपेयर करें 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है, और यहां m माइनस n किसके बराबर है, 3 के। सो m माइनस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू रखिए m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, इस तरफ ले जाएंगे तो m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, तो यहां से m हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, आपका 6 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे एक्सरसाइज 1.3 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।